नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं रिट के पाठ्यक्रम पर फैसला। आज संभव राजस्थान प्रधानाध्यापक पात्रता परीक्षा रिट के पाठ्यक्रम को लेकर चल रहे असमंजस की स्थिति शुक्रवार को दूर हो सकती है। सचिवालय में शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटावर की अध्यक्षता में आज मीटिंग होगी। दोस्तों इससे पहले 28 जनवरी को प्रस्तावित की थी, लेकिन इसकी स्थिति स्थगित चल रही है। 2 अगस्त को होगी परीक्षा। राज्य सरकार ने 2 अगस्त को 31,000 पदों पर रिट के आयोजन की घोषणा कर चुकी है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के उपेन यादव का कहना है कि रिट में कई विसंगतियां शामिल है। स्नातक का वेटेज 30% तय है, वही कॉमर्स के विद्यार्थी इसके अंदर शामिल नहीं हो सकते। इसके अलावा एमए 50% व बीएड करने वाले विद्यार्थी परीक्षा में पात्र नहीं माने जाएंगे। तो आज सचिवालय के अंदर बैठक की गई है, इसमें शिक्षा मंत्री और विपिन यादव और जो अध्यक्ष महोदय और अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। और ये मीटिंग प्रातः 11:30 बजे से स्टार्ट होकर 2 बजे तक चलेगी। इसके अंदर जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा। तो देखते हैं दोस्तों आज क्या क्या फैसला आता है। अगर वेटेज ख़त्म होगा तो काफ़ी विद्यार्थियों का इसका लाभ मिलेगा। तो नतीजा निकलने पर अभ्यर्थी पुराने पैटर्न से ही पढ़ाई कर सकेंगे। काफ़ी विद्यार्थी काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि इसका पाठ्यक्रम क्या क्या रहने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसका पाठ्यक्रम आज निश्चित रूप से तय हो जाएगा और इसकी जो परीक्षा डेट है वो फिक्स हो गई है, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आज के दिन इस मीटिंग का फैसला जो भी होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कई विद्यार्थी कॉल करके पूछ रहे थे कि इसका सर क्या प्रोसेस चल रहा है। तो दोस्तों यही प्रोसेस है, आज के दिन इसकी बैठक रखी गई है और जल्द से जल्द इसका परिणाम आने वाला है। तो दोस्तों जो भी परिणाम होगा हम आपको जल्द से जल्द अपलोड करा देंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत। दोस्तों मम्मी आगे छोड़ो गए।